दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में हमारे बातचीत के मंच पर उपस्थित हैं चर्चित कथाकार पंकज सुबीर जी। पंकज सुबीर जी के बारे में मैं बताने से पहले, पंकज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे बातचीत के मंच पर। जी 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 नमस्ते। और ये मेरा एक सौभाग्य है कि आपको यहाँ पर आमंत्रित करके मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ। आप ऐसे काफी व्यस्त रहते हैं, मैं देखता रहता हूँ। जी जी जी। और काफी लिखते भी हैं, तो मैं आपका थोड़ा सा परिचय अपने मित्रों को यहाँ पर बता देता हूँ कि इनके तीन उपन्यास जो हैं ये अब प्रकाशित हो चुके हैं। पहला उपन्यास जो है ये वो शहर तो नहीं, दूसरा अकाल में उत्सव, ये काफी चर्चित उपन्यास रहा है, और तीसरा है जिन्हें जुर्म इश्क पे नाज था। इनके कहानी संग्रह जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी, महुआ घटवारे, कसाव डॉट गांधी एट यरवदा डॉट इन, ये कहानी संग्रह है। चौपड़े की चुड़ैल, अभी तुम इश्क में हो, ये इनका गजल संग्रह है। होली, ये कहानी संग्रह है। यायावर हैं, आवारा हैं, बंजारे हैं, ये इनके यात्रा संस्मरण है। नई सदी का कथा समय में इन्होंने संपादन किया है उसका, और 12 चर्चित कहानियां का संपादन किया है, और विमर्श दृष्टि इसका भी संपादन उन्होंने। इनको जो सम्मान मिले हैं, कई सम्मान इनको मिले हैं। कथा यूके द्वारा वर्ष 2013 में लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में अंतरराष्ट्रीय इंदु शर्मा सम्मान, राजेंद्र यादव हंस कथा सम्मान 2016 में, उपन्यास ये वो शहर तो नहीं को भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा वर्ष 2009 का ज्ञानपीठ नवलेखन पुरस्कार, इंडिपेंडेंट मीडिया सोसाइटी पाखी पत्रिका का स्वर्गीय जेसी जोशी शब्द साधक जनप्रिय सम्मान, मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा बागेश्वरी पुरस्कार, बनमाली कथा सम्मान, अभिनव शब्द शिल्पी सम्मान, अमेरिका तथा कनाडा में हिंदी लेखन हेतु विशेष रूप से सम्मानित किया गया इनको, राष्ट्र भाषा प्रचार समिति द्वारा शैलेश मटियानी चित्रा पुरस्कार, दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय द्वारा कमलेश्वर सम्मान, उपन्यास अकाल में उत्सव को स्पंदन कृति सम्मान, उपन्यास अकाल में उत्सव को आचार्य निरंजन नाथ सम्मान भी इनको मिला है। स्पेनिन संस्था द्वारा डॉक्टर सिद्धनाथ कुमार स्मृति सम्मान, विशेष 3 कहानियों पर हिंदी फीचर फिल्मों का निर्माण इनका चल रहा है। मतलब ये इनकी कहानियों पर फिल्में बन गई, और अभी बातचीत से मुझे पता चला कि एक कहानी पर फिल्म पूरी हो चुकी है और पोस्ट प्रोडक्शन वगैरह सारा हो चुका है, बस रिलीज होने के इंतजार में है। एक कहानी कुफ पर लघु फिल्म बनकर रिलीज हो चुकी है। कहानी 2 एकांत पर बनी फिल्म बियाबान की पटकथा, संवाद तथा गीत लेखन, आप गीत भी लिखते हैं जी। संपादक विभोम स्वर और शिवना प्रकाशन में जो पांडुलिपियां वगैरह जाती हैं उनके पुस्तकों का उनका चयन करने में, मतलब एक तरह से संपादन हो गया है।
और इनका तो इतना परिचय है, ये जो है वो सीहोर में रहते हैं मध्य प्रदेश में, और इनका जन्म जो है वो 11 अक्टूबर को हुआ है। सन इन्होंने बताया नहीं, ठीक ही है ऊपर। और देख के हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि सन कौन सा होगा। पंकज जी, पहले तो थोड़ा आप बताइए कि जैसे आप बेसिकली सीहोर के रहने वाले हैं कि आप और आपकी पढ़ाई लिखाई जो है वो वहीं हुई है कि कहीं और से आप आए और वहाँ फिर आपने अपना कार्य स्थल बनाया उसको? हाँ देखिए, अब मेरे पिताजी वो शासकीय सेवा में रहे, तो शासकीय सेवा में जैसे होता है कि ट्रांसफर्स होते रहते हैं कि इस शहर से उस शहर, उस शहर से उस शहर। तो मेरे साथ भी हुआ कि जन्म मध्य प्रदेश के किसी एक कस्बे में हुआ, फिर स्कूल एजुकेशन प्राथमिक कहीं और हुई, और फिर कहीं हुई, फिर ऐसे ऐसे होते होते मतलब ये रहा कि सीहोर जो जगह है यहाँ पर पिताजी की सर्विस का ज़्यादातर समय यहीं बीता। तो मेरी स्कूल की जो सेकेंडरी एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन सब यहीं हुई, फिर उनका रिटायरमेंट यहाँ से हुआ, तो फिर जाहिर सी बात है कि हम लोग यहीं बस गए। तो अब तो ये कह सकते हैं कि सीहोर के ही हैं क्योंकि अब यहीं बस गए हैं, लेकिन हम लोग मूल रूप से तो मध्य प्रदेश का एक कस्बा है, नरसिंहपुर जिला है, उसमें कस्बा करेली करके है, वहाँ से हैं, पर अब यहाँ रहते हैं तो अब तो यहीं के हैं। जैसे अभी आपने बताया पढ़ाई वगैरह आपने की, कॉलेज वगैरह, स्कूल और कॉलेज वगैरह की, तो आप थोड़ा ये बताइए कि साइंस से पढ़ाई की है आपने कि आर्ट्स से? नहीं, मैं साइंस का ही विद्यार्थी रहा। मैंने चूंकि पिताजी डॉक्टर हैं तो वो चाहते थे मैं भी डॉक्टर बनूं, लेकिन मैंने एक बार उस समय पीएमटी होती थी, आजकल तो नीट होता है, तो पीएमटी एग्जाम भी एक बार दिया लेकिन नहीं क्लियर हुआ, तो फिर मैंने साइंस से, और फिर उसके बाद में साइंस से ही पोस्ट ग्रेजुएशन किया। मैंने केमिस्ट्री में या रसायन शास्त्र में एमएससी की, फिर आगे और एमफिल पीएचडी करने की इच्छा थी लेकिन वो फिर नहीं कर पाया, तो मैं एक्चुअल में एक पूरा साइंस स्ट्रीम से निकल कर आया हूँ, मैंने आर्ट से नहीं आया। तो मैंने ये सवाल इसीलिए पूछा आपसे कि साइंस स्ट्रीम में पढ़ाई करते करते और आपके ऊपर जैसे आपने कहा कि आपके पिता ये चाहते थे कि आप भी डॉक्टर बने और आपने एक बार पीएमटी की एग्जाम में दिया था, जी जी, तो ये साहित्य के प्रति रुचि और साहित्य लेखन के प्रति आप की रुचि कैसे होगी? अब देखिए, मेरा तो ये मानना है अरविंद जी कि हर एक लेखक पहले तो पाठक बनता है, उसके बाद वो लेखक बनता है, और पाठक जब वो बहुत लंबे समय तक पाठक रहता है तो उसके बाद धीरे धीरे वो लेखक होने लगता है। तो मेरे साथ भी यही हुआ कि घर में पढ़ने पढ़ाने का बहुत माहौल था, पापा और मम्मी दोनों को पढ़ने का बहुत सब आती थी, और उस समय जो उपन्यास चलते थे वो पॉपुलर उपन्यास जो गुलशन नंदा, रानू और इस तरह के जो उपन्यास चलते थे वो भी घर में सब उनके पढ़ने के लिए आते थे। अब मैं उस समय स्कूल में पढ़ता था तो कभी कभी कोई एक उपन्यास उठाकर धीरे धीरे पढ़ लेता था, धर्मयुग आती थी बराबर, सारिका आती थी बराबर, और इस तरह की सारी पत्रिकाएं साहित्यिक और सामाजिक और राजनीतिक सब तरह की पत्रिकाएं घर में आती थी, तो उनको पढ़ के धर्मयुग पढ़ रहे हैं, कोई कहानी पढ़ ली, कोई व्यंग पढ़ लिया, तो वो चीज़ें उस समय बहुत समझ तो नहीं आती थी, लेकिन उसने धीरे धीरे एक पाठन की रुचि पैदा कर दी कि आप पढ़ें, फिर उसके बाद कुछ उपन्यास वो पढ़ने शुरू करे, और फिर धीरे धीरे जब कॉलेज में आया तो इतना पढ़ चुका था कि ऐसा लगा कि अब मैं लिख सकता हूँ। तो कॉलेज के दौरान ही कुछ पहले हर एक लेखक की शुरुआत कविता से होती है, तो पहले कविताएं लिखनी शुरू की, कुछ गज़लें लिखना शुरू की, और फिर धीरे धीरे कहानी की तरफ आता चला गया, और फिर कहानी उपन्यास तक का ये सफर चला। तो ये बताइए कि आपके पिताजी का क्या रिएक्शन था जब आपने साइंस स्ट्रीम छोड़ दिया और आप जो है वो साहित्य की दुनिया में रम गए? नहीं, उनको तो अच्छा लगा, क्योंकि अगर कोई पाठक कोई ऐसे घर में होता जहाँ पर पढ़ने पढ़ाने की प्रवृत्ति नहीं हुई होती तो वो तो वहाँ तो फिर लगता थोड़ा सा कि ये क्या कर रहे हो, लिखना पढ़ना क्या होता है, लेकिन वो तो चूंकि खुद पढ़ते थे, सारे उपन्यास पढ़ते थे, सारी पत्रिकाएं उनके लिए आती थी, मेरे लिए नहीं आती थी, मैं तो चोरी छुपे स्कूल की किताबों में दबा दबा कर पढ़ लेता था, क्योंकि उन दिनों
कोर्स पढ़ने के ऊपर दबाव रहता था, तो चूंकि उनको सब सब पढ़ा हुआ था उनका और वो खुद पाठक थे, तो इसलिए उनको अच्छा ही लगा। और फिर अब जब धीरे धीरे जैसे जैसे थोड़ा नाम होता चला गया तो फिर और अच्छा लगता है, अब तो उनको कि लेखन से इतना नाम हो गया है, तो वो कहीं कोई रोक नहीं थी। अगर नहीं, ये सवाल मैंने इसलिए पूछा कि आमतौर पर हमारे देश में जो है और हिंदी साहित्य में भी मुख्य रूप से लेखन जो है वो नाम तो देता है, ख्याति उससे मिल जाती है जी, लेकिन उससे पेट नहीं चलता। हाँ, ये तो सही बात है। बहुत सारे लोगों की चिंता होती है, और क्योंकि मैं भी इस दौर से गुजर चुका हूँ तो मैं ये कह सकता हूँ जी, जी, कि मेरे पिताजी को हमेशा ये शिकायत रही, अंत तक शिकायत रही कि ये कुछ और कर सकता तो बेहतर करता, लेकिन ये पता नहीं कहाँ पर ये लगा हुआ है। वो चीज तो देखिए, मैं भी मतलब लेखन से तो नहीं चलता घर, ये बिल्कुल आपने सही कहा है, तो मैं तो घर चलाने के लिए कुछ और काम करता हूँ और साथ में लेखन करता हूँ, क्योंकि हिंदी का लेखक केवल लेखक हरिशंकर परसाई शायद एक ऐसे लेखक हुए जो कहते थे कि मैं मेरा घर लेखन से चलता है, पर उनके बाद तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा लेखक हुआ होगा जिसका लेखन से घर चलता हो। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है, इधर वो किसी प्रकाशन समूह में संपादन का काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, या किसी पत्रिका का संपादन करते हैं, लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि हिंदी में लेखक का लेखन से तो घर नहीं चल सकता, उसको कुछ ना कुछ एक अतिरिक्त काम करना होगा, उसके साथ में लेखन करता रहेगा वो। तो मैं भी वही करता हूँ कि मेरा भी लेखन मेरे व्यवसाय है मेरा, उसके साथ में मैं लेखन करता हूँ, और व्यवसाय से घर चलता है, लेखन से मन चलता है। एक यहाँ पर सवाल मेरे दिमाग में अभी ये सवाल आया है कि विदेशों में मैंने देखा है और मैंने पढ़ा भी है काफी, तो वहां के का जो लेखक होता है वो ख्याति भी पाता है और पैसे भी पाता है जी, और उसको सम्मान भी बहुत ज्यादा मिलता है जी जी जी। और हमारे यहाँ ये कमी कहाँ पर रह जाती है? आप देखिए, हमारे यहाँ पर जो जो एक बड़ी समस्या है हमारे यहाँ पर कि हमारे यहाँ पर चूंकि हमारी मातृभाषा जो है वो उतने सम्मान के साथ उसकी स्थापना नहीं हुई है। हमारे ऊपर अंग्रेजी हावी है और आज़ादी के बाद से ही अंग्रेजी ही हमारी, हम कितना ही कह लें हिंदी हमारी मातृभाषा है या मराठी हमारी मातृभाषा है, गुजराती हमारी मातृभाषा है, लेकिन हम सब समझते हैं कि इन सब मातृभाषाओं को हम केवल नाम के लिए मातृभाषा कहते हैं, बाकी हमारा हमारे यहाँ पर मुख्य जो है वो अंग्रेजी है। तो समस्या क्या है कि जो एक बड़ा पाठक वर्ग है वो अभी भी अंग्रेजी की किताबें खरीदता है, अंग्रेजी की किताबें पढ़ता है, और अंग्रेजी की किताबों को लेकर चलने में शान उसको महसूस होती है कि उसके हाथ में अंग्रेजी की किताब रखी हुई है। तो एक बहुत बड़ा पाठक वर्ग जो हमारी हमारी भाषा को पढ़ता, वो दूसरी भाषा की किताबें पढ़ रहा है, और वो बहुत बहुत बड़ा पाठक वर्ग है, निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा पाठक वर्ग है जो अंग्रेजी की किताबें पढ़ रहा है। तो वो चूंकि एक हमारा बहुत बड़ा पाठक वर्ग कम हो गया है, तो उसके कारण ये होता है कि हमारे पास एक बहुत सीमित पाठक वर्ग बचा रह गया है। और अगर हम बात करें 30 35 40 साल पहले की या 50 साल पहले की बात करें, तो 50 साल पहले चूंकि हिंदी का लेखन बहुत पढ़ा जाता था, तो वो समय बहुत अच्छा था, उस समय हिंदी का लेखक भी एक सेलिब्रिटी का उसको दर्जा रहता था और उसकी किताबें बिकती थी और बहुत बिकती थी। लेकिन जैसे जैसे हमारे देश में अंग्रेजी का प्रचार प्रसार आज़ादी के बाद जैसे जैसे बढ़ता चला गया, मैं खुद अपनी बात कहूँ कि मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ और मुझे कक्षा 8 में आकर अंग्रेजी शुरू हुई थी, उससे कक्षा 8 से पहले अंग्रेजी पढ़ाई भी नहीं गई थी मुझे, कक्षा 8 से मुझे अंग्रेजी की किताब कोर्स में आई थी। तो बिल्कुल निश्चित की बात है कि 8वीं तक मैंने भी अंग्रेजी नहीं पढ़ी होगी, तो जब मैंने अंग्रेजी नहीं पढ़ी होगी तो फिर मैंने हिंदी की, जब मैं कोई पत्रिका उठाता था तो हिंदी की पढ़ता था, किताबें हिंदी की पढ़ता था। लेकिन अब ये हो गया है कि अब हमारे बच्चों को
जो वर्णमाला सिखाई जाती है वो अंग्रेजी ही सिखाई जाती, वहीं से शुरुआत की जाती है। तो बहुत जाहिर सी बात है कि उन 25-30 सालों में ये हो गया कि वो सब अंग्रेजी सीखे हुए बच्चे सामने आ रहे हैं और वो अंग्रेजी की किताबें पढ़ रहे हैं। जब वो अंग्रेजी पढ़ रहे हैं तो फिर हिंदी की किताबें बिकेंगी कैसे? असल में तो सारा खेल बिकने का है। अगर किताबें बिकेंगी तो लेखक को भी रॉयल्टी मिलेगी और अच्छी रॉयल्टी मिलेगी। तो ये चूंकि हम विदेशों में अमेरिका की, इंग्लैंड की बात करते हैं, कनाडा की बात करते हैं, तो वहाँ अंग्रेजी ही मातृभाषा है और अंग्रेजी की ही किताबें हैं। तो ऑप्शन ये है कि बच्चे, बूढ़े, जवान सब कुल मिलाकर अंग्रेजी की किताबें पढ़ रहे हैं, तो वो सारे लेखकों को जानते हैं, तो लेखक के पास नाम और दाम सब होता है। हमारे यहाँ पर चूंकि आज की नई जनरेशन और बहुत सारे लोग हिंदी की किताबें पढ़ ही नहीं रहे, तो वो ना तो हमें पहचानते हैं ना हमारी किताबें खरीदते हैं, और जब नहीं खरीदेंगे तो लेखक के पास कहाँ से पैसा आएगा। तो बात वही है कि चूंकि हिंदी या दूसरी भाषाएं स्थापित नहीं हो पाई हैं, तो उसी के कारण हिंदी और दूसरी भाषाओं के लेखकों की स्थिति भी खराब हो रही है। अंतर वही आता है। एक समय था कि जब लगभग हर पढ़े लिखे घर में जी, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन, मतलब उसका मालिक किसी भी प्रोफेशन में हो जी, कुछ पत्रिकाएं जो थी, मतलब कुछ कह जो जितनी साहित्यिक पत्रिकाएं, अगर आप बच्चों के नंदन और चंपक और पराग और चंदा मामा से लेकर के सारिका और हिंदुस्तान धर्मयुग, ये मतलब घरों में मिल जाता था और मैं देखता था कि लोग बड़े रुचि से उसे पढ़ते थे। धीरे धीरे ये पत्रिकाएं बंद हो गई, धीरे धीरे अब और अखबारों में पहले ये था कि रविवार को एक साहित्यिक परिशिष्ट निकला करता था। जी जी जी, अब वो सब भी बंद हो गया। तो ये रुचि जो जो डेवलप होती है इन पत्रिकाओं से, वो रुचि भी नहीं डेवलप हुई, ये भी एक कारण हो सकता है। हाँ बिल्कुल, मैंने बताया ना कि जैसे मैं अपना खुद का उदाहरण देता हूँ कि मेरा बचपन से जो बात की स्थिति होती, जब आप थोड़ा बहुत कुछ पढ़ना शुरू करते हैं, तब घर में जब मैं देखता था तो कहीं सारिका रखी है, कहीं धर्मयुग रखी है, कहीं इंडिया टुडे रखी है, कहीं साप्ताहिक हिंदुस्तान रखा है, और चंदा मामा, चंपक, पराग, नंदन, इंद्रजाल कॉमिक्स, मधु मुस्कान, ऐसी पत्रिकाएं तो हमारे लिए खास तौर से बच्चों के लिए आती थी, लेकिन उसके अलावा भी बड़ों की पत्रिकाएं भी आती थी, महिलाओं की पत्रिकाएं आती थी, और उन सब में जैसे आप धर्मयुग की बात करते हैं तो धर्मयुग एक सामाजिक पत्रिका थी, लेकिन वो बहुत फोकस होती थी साहित्य के ऊपर ही। तो उसको जब हम पीछे के पन्नों से पढ़ना शुरू करते थे तो कोई कहानी छपी है, कोई उपन्यास धारावाहिक छप रहा है, कोई व्यंग छपा है, कोई कविता छपी है। जैसे मैंने धर्मयुग में कोई कविता पढ़ी थी और उस कविता को पढ़कर मेरे अंदर ये आया कि मैं भी कविता लिखूंगा। जब ये कविता इतनी सुंदर हो सकती है, इसको गाने में इतना अच्छा लग रहा है, तो फिर मैं भी कविता लिखूं। तो कुल मिलाकर बात वही होती है कि वो संस्कार जो मिलते थे बच्चों में लेखन के प्रति, वो पत्रिकाओं से ही पैदा होते थे। अब घरों में पत्रिकाएं होती ही नहीं है। आप किसी भी घर में चले जाइए, अब पत्रिकाएं आपको मिलेंगी, हेयर कटिंग सैलून जहां बाल कटाने जाते हैं वहां वेट करना है थोड़ी देर, तो टेबल पर रखी हैं। डॉक्टर के यहाँ आपको वेट करना है तो टेबल पर 3-4 पत्रिकाएं रखी हैं। मतलब ऐसी जगहों पर जहाँ समय काटने का आपके पास में थोड़ा सा मुश्किल है, वहाँ आपको पत्रिकाएं रखी मिलेंगी। अब घर में पत्रिकाएं नहीं होती, साहित्यिक किताबें नहीं होती हैं, तो निश्चित रूप से कि जब जब आप जिस उम्र में बच्चों के अंदर लेखन के प्रति, साहित्य के प्रति संस्कार आने थे, उस उम्र में आपने पत्रिकाएं और किताबें उन्हें नहीं दी, तो अब वो उनको लेखन से कोई मतलब ही नहीं है, तो अब वो जानते ही नहीं, तो समस्या वहीं से पैदा। मेरे ख्याल से अंग्रेजी की भी साहित्यिक पत्रिकाएं तो मेरे ख्याल से है नहीं, या होंगी तो एकाध होंगी, उसमें तो बाकी सब फैशन की और फिल्मों की और सौंदर्य की और जी खान पान की, ये सब इंग्लिश पत्रिकाएं, जैसे आपने बताया कि डॉक्टर के पास जाओ तो उनके आप यही सब पत्रिकाएं मिलती हैं। ऐसा भी नहीं है कि वहां पर अगर आप आधे घंटे वेट कर रहे हैं तो आप एक कहानी छोटी सी पढ़ लें। नहीं, वो तो नहीं मिलेगी, वो नहीं मिलेगी। तो बच्चे जरूर इंग्लिश नॉवेल पढ़ने लगे हैं, लेकिन लिटरेरी नॉवेल तो शायद, लिटरेचर तो शायद इंग्लिश का नहीं पढ़ते हैं बच्चे।
नहीं नहीं लिटरेचर नहीं पढ़ते हैं वो, एक्चुअल में जैसा हिंदी में हमारे यहाँ है कि दो दो तरह का लेखन है, कि एक गंभीर लेखन है और एक लोकप्रिय लेखन है, कि पॉपुलर राइटिंग और सीरियस राइटिंग, जैसे गुलशन नंदा रानू और इस प्रकार वेद प्रकाश शर्मा और इस तरह एक पूरी सीरीज रही जिनको माना जाता था कि ये पॉपुलर लेखक है, ये लोकप्रिय लेखक है, लेकिन उनका साहित्य में कोई स्थान नहीं था। फिर इधर जो एक गंभीर लेखन उसी दौरान राजेंद्र यादव, कमलेश्वर और इस तरह की एक पूरी पीढ़ी वो भी उनके पैरेलल लिखती थी और वो गंभीर। तो अंग्रेजी के जो नावल हमारे यहाँ के बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो एक्चुअल में अंग्रेजी का लिटरेचर नहीं है, वो तो अंग्रेजी का पॉपुलर साहित्य है। जैसे हमारे यहाँ होता है तथा जैसे गुलशन नंदा रानू होते थे तो वो अंग्रेजी के गुलशन नंदा और रानू को पढ़ रहे हैं, वो कोई अंग्रेजी के प्रेमचंद या अज्ञेय को नहीं पढ़ रहे हैं, उनको तो वो अंग्रेजी के प्रेमचंद और अज्ञेय को भी नहीं समझ पाएंगे, वो तो अंग्रेजी के गुलशन नंदा रानू और वेद प्रकाश शर्मा को पढ़ रहे हैं और खुश हैं कि हम अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। तो वो उनकी गलत फहमी है। चलिए ठीक है, ये एक एक बात बताइए, आपने गजलें लिखी और अब अभी जब मैं आपका वो प्रोफाइल के बारे में बात कर रहा था जी, तो आपने गीत वगैरह भी लिखा है। हाँ हाँ। तो गजलें मतलब, और ये क्या आपने अभी कम कर दिया है लिखना, कहानी और उपन्यास पर ही फोकस कर लिया? शुरुआत मैंने गजलों से की और काफी गजलें लिखी हैं मैंने, और इन दिनों कम नहीं किया है, पर मेरा अपना मानना है कि एक लेखक को अगर एक विधा उसकी पाठकों द्वारा स्वीकार की जा रही है तो उसको अपना एक ही पक्ष सामने लाते रहना चाहिए, और क्योंकि बहुत सारी आप अपनी सारी विधाओं को पाठकों के सामने खोलकर रख देते हैं तो पाठक भी थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि वो आपको किस रूप में ज़्यादा पसंद करे। तो गज़लें मैं अभी भी लिखता हूँ, गज़लें लिखना बंद नहीं किया, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मैं पहले कविताएं लिखता था, कविताएं लिखने के बाद में फिर गज़लें लिखना शुरू की, फिर उसके बाद में एक बहुत लंबा समय लगभग 5-7 साल का ऐसा है जिसमें मैंने व्यंग लिखे, खूब व्यंग लिखे, और वो व्यंग सारी बड़ी पत्रिकाओं में, कादम्बिनी में छपा है और आहा जिंदगी में, इस तरह की सारी जितनी पत्रिकाएं बड़ी पत्रिकाएं होती हैं सब में मेरे व्यंग छपे, खूब छपे। फिर व्यंग के बाद फिर कहानी लेखन शुरू किया, तो अब कहानी और उपन्यास में मन थोड़ा ज्यादा रमता है इसलिए वही ज्यादा लिखता हूँ, लेकिन गजलें बराबर लिख रहा हूँ और गजलों पर काम भी करता हूँ, गजलों के व्याकरण पर भी मैं विशेष काम कर रहा हूँ, उस पर एक किताब भी ला रहा हूँ हिंदी के गजलकारों के लिए कि उनको थोड़ा आसानी हो जाए कि गजल का व्याकरण क्या होता है और किस तरह से समझा जाता है। तो गजल कहनी तो बंद नहीं की है, पर बस यह है कि अभी उसको पाठकों के सामने नहीं ला रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो फिर गजलकार पंकज सुबीर और कथाकार पंकज सुबीर के बीच में ही कॉम्पिटिशन खड़ा हो जाएगा, इसलिए। हाँ, लेकिन एक लेखक के तौर पर लेखक की तो हमेशा इच्छा होती है कि वो अपने को व्यक्त करे, एक्चुअली लेखक बनता ही अपने को व्यक्त करने के लिए है, जो उसने समाज से सीखा है, जो उसने समाज के बीच से गुजरते हुए उसके अनुभव रहे हैं जी। तो ये इसका तो एक दूसरा पहलू तो ये भी है कि लेखक अगर अपना फैलाव करता है तो इसमें क्या बुराई है कोई? नहीं, बुराई नहीं है, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, पर बस गजलें में कह रहा हूँ, और एक किताब तो मेरी आ चुकी है, अभी तुम इश्क में हो के नाम से एक किताब आ चुकी है, और दूसरी किताब थोड़े अंतराल के बाद, क्योंकि देखिए एक चीज मैं बहुत जिसको मैं हमेशा मानकर चलता हूँ कि गजल सबसे कठिन विधा है, इन दिनों उसको बहुत सरल बना दिया गया है, लेकिन गजल में आपको एक मिसरा कहना, एक शेर कहना ही बहुत मुश्किल हो जाता है, वो बहुत कठिन विधा है, जैसे व्यंग एक बहुत कठिन विधा है, इन दिनों उसको भी आसान कर दिया है कि आपने एक घटना घटी उसके ऊपर एक व्यंग लिख दिया, किसी अखबार ने उसको 800 शब्दों में छाप दिया, आप व्यंगकार हो गए, आप तो 300 में छप रहा। तो मैं उन लोगों से कहता हूं कि आप स्तंभकार हो गए हो, आप व्यंगकार नहीं हुए हो, क्योंकि व्यंग सबसे कठिन विधा है, गद्य में सबसे कठिन विधा है व्यंग और पद्य में सबसे कठिन विधा है गजल, तो इन दोनों को लेकिन इतना सरल बना दिया गया है कि मतलब अगर आप किसी से कह दें कि गजल एक कह दो तो वो 2-3 घंटे में बैठकर आपको 10-12 शेर निकाल कर कह देगा कि ये गजल हो गई,
लेकिन गजल बहुत मुश्किल होती है। मैं जब गजल लिखने बैठता हूँ तो कई बार एक एक गजल को पूरा होने में एक एक महीना लग जाता है, एक एक शेर बन रहा है फिर बन रहा है, तो मेरी प्रक्रिया थोड़ी सी धीमी होगी शायद। तो इसके कारण बस ये है कि लिखता मतलब वो कम लिखता हूँ गजलें, और जब अंदर से कोई गजल बहुत बेचैन कर देती है, बहुत परेशान कर देती है, तो ही लिखता हूँ। और व्यंग भी मैं तभी लिखता हूँ जब बहुत बहुत कोई सब्जेक्ट मुझे परेशान कर देता है, क्योंकि व्यंग तो मैंने जैसा कहा कि व्यंग तो और भी कठिन विधा है। मतलब हम जितना जितना इन दिनों सबसे ज्यादा अवमूल्यन अगर किसी एक विधा का हुआ है तो वो व्यंग का हुआ है। और जो जिस तरह से उसमें, अब साहित्य के लिए ऐसा शब्द उपयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन जिस तरह से उसमें कचरा कूड़ा करकट भर गया है व्यंग की विधा में, मुझे लगता है कि ये विधा बच भी पाएगी कि नहीं बच पाएगी, या वो स्तंभकार ही व्यंगकार होकर रह जाएंगे। हमें कोई दूसरा शरद जोशी, कोई दूसरा हरिशंकर परसाई मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अब तो इस पर भी सवाल खड़ा हो गया है। हाँ, ये बात आपने अच्छी कही। अच्छा, ये बताइए कि जैसे अभी आपसे बात हो रही थी हम लोगों की, तो एक बात आपने कही कि उपन्यास के लिए आप रिसर्च कर रहे हैं जी, तो ये एक अच्छी अच्छी बात है और अच्छा मतलब ट्रेंड है, क्योंकि मैं देखता हूँ, और चूंकि विदेशी साहित्य मैं पढ़ता रहता हूँ, और अभी इन दिनों मैंने एक पैनडेमिक्स पर काफी लिटरेचर पढ़ा है, तो मैंने देखा है कि वो उनके यहाँ एक आम बात है, वो जो है वो रिसर्च बहुत करते हैं। मतलब अगर साइंटिफिक फिक्शन भी उनको लिखना है तो ऐसा नहीं कि आप उंगली रख दें कि भाई साहब ये तो साइंटिफिकली ही गलत हो गया, ऐसा नहीं। जी 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 जी, है ना जी। तो बिल्कुल। ये लेकिन एक चीज इसमें है कि रिसर्च से जो चीजें तथ्य इकट्ठे होते हैं जी, उनको कथ्य में, तथ्य को कथ्य में बदलना तो एक कठिन काम हो जाता है, क्योंकि उपन्यास या कहानी में तो फिर एक अलग लय की जरूरत पड़ती है, एक पठनीयता की भी जरूरत पड़ती है। जी, जी, जी। मैंने कुछ ऐसे उपन्यास भी देखे हैं इस दौरान, मतलब हिंदी अपने मित्रों के, जिसमें मैंने देखा कि वो रिसर्च बहुत ज्यादा है लेकिन उसमें कथानक उस तरह से उभर कर नहीं आया जिस तरह से आना चाहिए। हाँ, मैं इसमें एक बात ये जरूर कहूंगा कि देखिए, रिसर्च तो अगर आप, जैसे मेरा सब्जेक्ट जो होता है, जैसे मेरा जो दूसरा उपन्यास अकाल में उत्सव, वो किसानों की आत्महत्या पर था। तो किसानों की आत्महत्या पर अगर मैं उपन्यास लिख रहा था, तो मैंने सबसे, क्योंकि एक हमने एक बहुत सीधा सीधा सा एक वो बना लिया है कि ओले पड़ गए और फसल खराब हो गई, किसान मर गया, ये एक बहुत सीधी सी हमने लकीर खींच दी, जबकि इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है कि किसान ऐसे रातों रात नहीं मर जाता कि एक फसल बर्बाद हो गई और वो मर गया। तो फिर मैंने रिसर्च करना शुरू की और शोध करना शुरू किया कि किन किन कारणों से किसान मरता है, और फिर वो सारा शोध सामने रखा, और उस शोध को शोध की तरह नहीं बल्कि उसको कथ्य की तरह उसने मैंने पिरोना शुरू किया। तो अकाल में उत्सव, जिसकी अभी तो 5 साल में अब 11वां संस्करण प्रेस में चला गया है, तो पाठकों ने बहुत पसंद किया। तो जरूरी यह है कि आप अगर कोई किसी विषय पर उपन्यास लिख रहे हैं और उस विषय को लेकर आपने बहुत सारी रिसर्च कर ली है, तो ये जरूरी नहीं कि वो रिसर्च पूरी की पूरी उपन्यास में उतार दी जाए। आप उस रेफरेंसेस को किस तरह से, किस कमाल से कथ्य के साथ जोड़कर उपयोग करते हैं, क्योंकि अगर आपको वो सारी सारा रिसर्च ही देना है, तो आप एक 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 उस तरह की रिसर्च बुक लिख दीजिए, उसके लिए उपन्यास लिखने की तो जरूरत नहीं है। उपन्यास और कहानी का मतलब है ये है कि उसमें मुख्य तत्व तो कहानी ही रहेगी, कहानीपन ही रहेगा, और अगर कहानीपन नहीं है, अगर उसमें कहानी नहीं, उपन्यास में और कहानी में अगर कहानी ही नहीं है, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए रिसर्च तो मैं बहुत करता हूं। जैसे मेरा अभी जो नया उपन्यास है, जिन्हें जुर्म इश्क पे नाज था, वो धर्म और सांप्रदायिकता, और धर्म और सांप्रदायिकता के कारण मानव सभ्यता को जो नुकसान पहुंचा है, उन सब की कहानी है। तो उसके लिए मैंने दुनिया के जितने 8 प्रमुख धर्म हैं उनके सारे धर्म ग्रंथ पढ़े, और वेद पढ़े, उपनिषद पढ़े, सब पढ़े, पूरा स्टडी किया, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं ये ढूंढना चाह रहा था कि धर्म के नाम पर अगर इतनी हिंसा होती है, तो धर्म की किताबें
इस बारे में क्या कहती हैं। तो वो सब जब मैंने पढ़ा तो उसके पढ़ने के बाद मैंने उसमें से जो चीजें मेरे लिए जरूरी थी उसको मैंने अपने उपन्यास में उपयोग किया। और उपन्यास का जो मूल जो लाइन थी कि एक कहानी है, वो कहानी बराबर चलती रही कि एक दंगा हो गया है, उस दंगे में एक परिवार फंसा हुआ है और उस परिवार को बचाने के लिए एक जो दूसरे धर्म का आदमी है वो अपने घर में पूरे प्रयास कर रहा है कि कैसे करके उस परिवार को बचाया जाए। लेकिन वो उसमें जब तक सफल नहीं हो रहा है तब तक वो बेचैन है, छटपटा रहा है और उस दौरान वो सारी प्रक्रिया से गुजर रहा है कि उसको अलग अलग धर्मों के बारे में उसकी सारी सूचनाएं वो रिवाइव कर रहा है, अलग अलग पात्रों से बात कर रहा है। तो उसमें मैंने कहानीपन को जिंदा रखा कि कहानी हो, कहानी के आसपास सारी सूचनाएं चलती रहें। अगर आप सूचनाओं का भरमार कर देंगे और उसमें कहानी नहीं बचेगी तो फिर निश्चित बात है कि उसको कोई नहीं पसंद करेगा। इसलिए जो हमारे कहा जाता है कि यथार्थ और कल्पना का मेल जो है, तो यथार्थ होना चाहिए कम और कल्पना ज्यादा होना चाहिए। तो वही बात है कि सूचनाएं आपकी रहें लेकिन उन सूचनाओं का कोई ना कोई रिश्ता आपकी जो कहानी चल रही है उपन्यास में या कहानी में, जो कहानी चल रही है जो उसके साथ उसका रिश्ता जरूर बनाते हुए चलें, ताकि लोगों को ऐसा ना लगे कि ये जो बात कह दी है यहाँ पर इसका रिलेवेंस क्या हुआ, कहानी से क्या मतलब निकला इसका। तो रिसर्च, जैसे अब मैं जो पॉलिटिकल एक ड्रामा लिख रहा हूँ, पॉलिटिकल ड्रामा, उसके लिए रिसर्च कर रहा हूँ। तो वो रिसर्च केवल इसलिए है जो आपने अभी कहा कि कोई बात ऐसी ना हो जिस पर उंगली रख दी जाए कि ये सूचना तो गलत है। तो मेरे लिए शोध केवल वही है कि कोई भी सूचना किताब में अगर जा रही है तो जैसे मेरे नए उपन्यास में गांधी एक पात्र के रूप में आते हैं और जिन्ना एक पात्र के रूप में आते हैं, गोडसे एक पात्र के रूप में है। तो इन सब के साथ में मेरी कथानायक का लंबा लंबा संवाद चला है। तो उस संवाद की प्रक्रिया में कोई भी एक चीज अगर गांधी के मुंह से मैं गलत कोई सूचना दिला देता हूँ या गोडसे के मुंह से गलत सूचना दिला देता हूँ या जिन्ना के, तो वो फिर गलत हो जाएगा। तो उसके लिए तैयारी ये है कि उसके लिए आप रिसर्च कीजिए, उसके लिए आप किताबें पढ़िए, इंटरनेट को मत खंगालिए। इंटरनेट पे आधी से ज्यादा सूचनाएं झूठी है, आपको जाना पड़ेगा रिसर्च करने के लिए किताबों के पास। तो मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, अब जैसे चौथे उपन्यास के लिए फिर बहुत सारी किताबें पढ़ रहा हूं, लेकिन उन किताबों से प्राप्त सूचनाओं से मैं अपने पात्रों को वैचारिक रूप से थोड़ा समृद्ध कर देता हूं, बस कि मेरे पात्र बहुत बहुत सटीक जानकारियां देते हुए चले। हाँ, मतलब रिसर्च जो है वो यथार्थ को सामने लाने के लिए होना चाहिए। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, क्योंकि कहानी तो कहानी होती है, उपन्यास भी कहानी होती है, बिल्कुल कल्पना बिल्कुल। कल्पना ज्यादा होती है, लेकिन अगर हम फैक्चुअल बातें कर रहे हैं तो उसमें कोई गड़बड़ी ना हो जाए। जैसे छोटा सा एग्जांपल है, मान लीजिए एक आदमी ने अपराध किया, अब उसे थाने में ले गए कि कचहरी में ले गए कि कोर्ट क्या हुआ, बिल्कुल इसके बारे में जब तक आइडिया नहीं होगा, बिल्कुल लॉकअप से लेकर जेल तक की क्या क्या यात्रा होती है, तब तब आप है ना, बिल्कुल। तो ये वही बहुत अच्छी तरह से आपने इसे एक्सप्लेन किया। जी जी, अब ये बताइए कि तो इस तरह से तो उपन्यास लिखने में काफी टाइम आपको लग जाता होगा एक उपन्यास लिखने में। हाँ, मेरे उपन्यास आते भी ऐसे ही, जैसे 2010 में मेरा पहला उपन्यास आया था, फिर 2015 में मेरा दूसरा उपन्यास आया और 2019 में मेरा तीसरा उपन्यास है, मतलब लगभग 5 साल का अंतर। और एक लेखक को अपने उपन्यासों के बीच 5 साल का अंतर रखना चाहिए, ये मैं मानता हूँ। कई सारे हमारे ऐसे भी लेखक हैं जिनके एक साल में दो दो तीन तीन उपन्यास आ रहे हैं, उनके पास कोई कमाल होगा कि वो एक साल में तीन उपन्यास लिख लेते हैं या हर साल एक उपन्यास लिख लेते हैं। मैं तो संभव नहीं मानता अपने लिए कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे लिए उपन्यास एक वो जैसे एक चित्रकार बहुत आराम से बहुत धीरे धीरे एक कैनवास पर बैठकर काम करता है, पूरी संतुष्टि के साथ काम करता है। तो मेरे लिए उपन्यास वही है, मैं उस तरीके से काम नहीं कर सकता कि आज एक उपन्यास
लिख दिया, 6 महीने बाद दूसरा आ गया, 6 महीने बाद तीसरा आ गया, तो वो पैटर्न मुझे समझ नहीं आता है। मेरे लिए उपन्यास एक धीमी प्रक्रिया है। 2010 से लेकर 2020 तक मेरे 3 उपन्यास आए हैं, 5-5 साल के अंतर पर एक उपन्यास आया है, और मैं सोचता हूं कि इतना ही अंतर होना चाहिए। एक बात बताइए, जैसे कि आजकल बहुत लिखा जा रहा है, मतलब जी, जब से सोशल मीडिया आ गया है जी, तो लोगों की अभिव्यक्ति को के लिए एक मंच मिल गया है, और इसका एक फायदा भी है, इसका नुकसान भी है। नुकसान ये है कि हर तीसरा आदमी अपने को रचनाकार समझने लगा है, ये भी एक बात हो गई है, और फायदा ये है कि आप जो है अपनी बात कह सकते हैं, लोगों पहुंचा सकते हैं जी, जी। आप चूंकि आप बता रहे थे कि आप जैसे कि पांडुलिपियों का चयन करते हैं शिवना प्रकाशन से जी, तो आपके सामने तो बहुत सारे मतलब कहानी संग्रह, बहुत सारे उपन्यास आपके यहाँ सामने से गुजरते होंगे जी, जी जी उनके मद्देनजर आप बताइए कि जो गंभीर साहित्य है वो जिसको हम साहित्य कहते हैं, गंभीर कहना तो ठीक नहीं है, लेकिन साहित्य जिसको वाकई साहित्य जी, हाँ हाँ, उसकी क्या स्थिति है आज के समय में? स्थिति तो खराब है, मतलब इसको स्वीकार करने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। इसके पीछे जो कारण है, वो कारण एक महत्वपूर्ण कारण ये है कि पहले क्या होता था कि हिंदी की जो साहित्यिक पत्रिकाएं होती थी उनमें संपादन या संपादक जैसा काम होता था। अब हिंदी की कुछ एक पत्रिकाएं गिनी चुनी, ज्यादा से ज्यादा 5 या 7 पत्रिकाएं ऐसी हैं जिनमें संपादन या संपादक का काम चल रहा है। बाकी सब जगह अब ये स्थिति हो गई कि आप रचना भेज दें, आपकी रचना छप जाएगी, और उसमें कोई संपादक का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। लेकिन अभी भी कुछ पत्रिकाएं, मैं अभी मेरी एक कहानी मैंने किसी पत्रिका में छपने भेजी, उस कहानी को पढ़कर संपादक का मेरे पास फोन आया कि पंकज जी आपकी कहानी मैंने देखी है और इस कहानी में कुछ बिंदुओं पर मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझसे चर्चा की, फिर मुझे ऐसा लगा कि वो सही दृष्टि से इस कहानी की तरफ देख रहा है, तो मैंने कहा रुकिए मुझे इस कहानी पर रीराइट करने दीजिए। फिर मैंने उसको एक रीराइट करके भेजा, तो उन्होंने कहा पंकज जी इसमें 1-2 पॉइंट्स और मैं जरा संतुष्ट नहीं हो रहा हूँ। मैंने फिर काम किया, तो जब तीसरी बार मैंने उस कहानी पर काम किया तो मुझे खुद को वो कहानी बहुत अच्छी लगी। तो ये एक संपादक का काम है, क्योंकि संपादक की दृष्टि और कहानीकार रचनाकार की दृष्टि में बड़ा फर्क होता है, क्योंकि हर रचनाकार अपने लिखे हुए से प्यार करेगा, कोई भी होगा, लेकिन जब संपादक उसको देखेगा तो संपादक उस नजरिए से देखेगा कि वो संपादक की जवाबदारी है वो रचना में। तो उस कहानी को 3 बार लिखने के बाद 4थी बार जब मैंने पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अब उसमें कहीं अगर मैं ये ईगो पाल लूं कि भाई मैं तो पंकज सुबीर हूं और मेरी कहानी में संपादन कैसे हो सकता है, और ये आप मत छापिए मैं तो दूसरी पत्रिका को भेज दूंगा, तो मैं अपना ही नुकसान करूंगा, क्योंकि आप अपने विकास की प्रक्रिया को अवरुद्ध कर देंगे। जब मैंने उस कहानी को फिर से पढ़ा मुझे अच्छा लगा। तो कुल मिलाकर हिंदी साहित्य का जो नुकसान बड़ा जो हुआ है वो लेखक के इसी धारणा से हो गया है कि मैंने जो लिख दिया वो अंतिम है, उसमें संपादन की कोई गुंजाइश नहीं है। अब इसमें एक समस्या क्या हो गई है कि आप सोशल मीडिया पे जहां जहां छप रहे हैं वहां संपादन तो है नहीं, आपका ही पेज है, आपकी ही रचना है, आप छाप दीजिए, उसमें 500 लाइक आ जाएंगे, 150 कमेंट आ जाएंगे और ये सब आ जाएंगे, तो आप उन लाइक्स और कमेंट्स को आप ये मानकर चलते हैं कि ये आपकी रचना पर आए, जबकि वो आपके व्यक्तिगत संपर्कों के आधार पर आते हैं, वो रचना पर कुछ नहीं आता। किसी सोशल मीडिया पर लाइक और कमेंट्स जो होते हैं वो आपके उस व्यक्ति के साथ या आपके दूसरों के साथ कैसे रिलेशन है, अगर आप सब जगह जाकर कमेंट कर रहे हैं तो आपके यहाँ भी आएंगे, आप सब जगह जाके लाइक कर रहे हैं तो आपके यहाँ भी आएंगे, वो एक पारस्परिक प्रक्रिया है, उसका लेखन से कोई लेना देना नहीं। कई बार तो जो लाइक करके जाते हैं उन्होंने पूरी आपकी कविता पढ़ी भी नहीं होती है, आप उनसे अगर फोन लगा के पूछ लें कि मेरी कविता पढ़ी तो वो आपको बता भी नहीं पाएंगे, वो तो एक लाइक का चटका लगाते हुए निकल जाते हैं सारी पोस्ट पर। तो
लेकिन उन सब से क्या होता है कि वो लेखक गलत फहमी में आ जाता है, वो उसको लगता है कि मेरी रचनाएं तो इतनी पसंद की जा रही हैं, 500 लाइक आ गई हैं दिन भर में। अब ये बहुत खतरनाक है। अब वो जब किसी पत्रिका में छपने भेजेगा और जब संपादक कहेगा कि आपकी कविता तो ठीक नहीं है, तो वो आपको पलट कर जवाब देगा कि फेसबुक पर तो इसमें 500 लाइक आए थे और आप कह रहे हैं ठीक नहीं है। तो अब संपादक क्या कर सकता है? मैं कई बार होता है कि शिवना प्रकाशन के पास कोई पांडुलिपि आई, उन्होंने मुझे दी, मैंने पढ़ा, लेखक को बताने की कोशिश की कि यह तो कहानी ही नहीं है भाई, अभी तो ये कहानी बनी नहीं है, तो आपने घटना का जस का तस ब्योरा दर्ज कर दिया जैसे एक पत्रकार करता है, आंखों देखा हाल वैसा आपने भी लिख दिया है, इसको कहानी तो बनाइए। आप पत्रकारिता और कहानीकार के बीच का फर्क ही नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन लेखक सुनने को तैयार नहीं होता है, उसके पास वही दलील होती है। आप सोशल मीडिया के सारे लेखकों से बात करिए, उनके पास वही दलील है कि फेसबुक पर तो इतने लाइक आ गए थे इस पे, या फेसबुक पर तो इतने कमेंट आ गए थे इस पर। तो ये जो लाइक और कमेंट हैं, मुझे लगता है कि जब हिंदी साहित्य का जैसे वीर गाथा काल, रीति काल, और इसी तरह से हिंदी साहित्य का जब सोशल मीडिया काल भी एक लिखा जाएगा, तो हिंदी साहित्य का सत्यानाश करने में जो जो चीज जो प्रवृत्ति सबसे ज्यादा प्रमुख रूप से रेखांकित की जाएगी वो लाइक्स और कमेंट्स होंगे कि इन्हीं ने हिंदी साहित्य का सबसे ज्यादा सत्यानाश किया है। तो ये तो है, अब क्योंकि लेखक खुद ही अच्छा बेहतर नहीं होना चाहता है। मैं तो अभी भी मतलब अब मुझे तो मेरी पहली कहानी 1998 में प्रकाशित हुई थी और आज 22 साल हो गए मुझे लिखते लिखते, उसके बावजूद अभी मैंने 2 महीने पहले किसी संपादक के कहने पर 4 बार कहानी को रीराइट किया है, क्योंकि कोई संपादक मेरे भले के लिए कह रहा है ना, उसको मेरी कहानी में और बेहतर होने की संभावना नजर आती है। मेरी जो कहानी हंस से पुरस्कृत हुई है चौपड़े की चुड़ैले, वो संजय सहाय जी ने मुझसे 3 बार फिर से लिखवाई थी कि पंकज जी मजा नहीं आया, फिर से लिखिए एक बार और, ये पॉइंट्स और देखिए। मैंने जब देखा तो मुझे लगा कि नहीं, ये पॉइंट्स और बेहतर हो सकते हैं, फिर मैंने किया। अब उसमें मैं ईगो पाल लेता कि नहीं नहीं अब कितनी बार लिखूंगा मैं, संपादक मान ही नहीं रहा, संपादक चीज ही नहीं समझ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चीज जो है, ये वो जो सोशल मीडिया पर जो लेखन पूरा फैला हुआ है, वो असंपादित लेखक है, वो अराजक लेखक है, अराजक लेखन है वो पूरा, और वो कहीं नहीं पहुंचेगा ना बचेगा वो कभी। आजकल एक और ट्रेंड चल रहा है, वो उसमें जी जी कि जैसे मान लीजिए कि कहानी संग्रह तैयार किया किसी नए लेखक ने जी, और उसने 12-13 कहानियां जो हैं अपनी उसने प्रकाशक के पास भेज दी जी जी, जबकि उनमें से कोई भी कहानी कहीं छपी नहीं है, नहीं छपी है बिल्कुल। अब प्रकाशक बड़े खुश होकर के वो छाप भी देते हैं उनकी किताब, और वो फिर परेशान रहते हैं कि इस पर कोई समीक्षा नहीं कर रहा है, कोई इसकी टिप्पणी नहीं कर रहा है कोई। तो और ऐसे तो मैं गाहे बगाहे लोगों से मेरी बात होती रहती है, तो वो कहते भी हैं कि कोई जरूरी नहीं है कि छपना जरूरी नहीं है पत्रिकाओं में, हम तो सीधे किताब में ही आएंगे, वो संपादन से डरते हैं ना। नहीं, बट नेचुरल एक 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 मतलब अंकुश तो नहीं कहना चाहिए उसे, लेकिन हाँ एक मार्गदर्शक तो होना ही चाहिए। बिल्कुल। तो वो देखिए, जो आपने जिस प्रवृत्ति की बात की है कि हमने ये 12 कहानियां लिख दी और इन 12 कहानियों का एक संकलन छाप दीजिए, वो क्योंकि किसी पत्रिका में भेजेंगे, संपादक उसको कहानी मानने से मना कर देगा कि ये तो कहानी नहीं है, ये तो सूचनाएं हैं, ये तो घटने का ब्योरा है, वो इससे डरते हैं। और मैं बड़ा हैरत में पड़ता हूँ, क्योंकि मैं साल भर में 3 या 4 कहानियाँ लिखता हूँ, कई बार तो नहीं लिख पाता हूँ, कई बार 3-4 भी नहीं लिख पाता हूँ, साल भर में 2 ही कहानियाँ लिखा पाती हैं। मैं उनको देखकर हैरत में आता हूँ कि वो 1 महीने में 4-5 कहानियाँ लिख देते हैं, 2 महीने में तो संकलन तैयार कर देते हैं। तो अब वो कहानियाँ तो हैं नहीं वो, क्योंकि उसको जब कोई संपादक पढ़ेगा और उसके बाद उस कहानी को प्रकाशन के योग्य समझेगा, जब पत्रिका में प्रकाशित करेगा, तो एक एक संपादक की स्वीकृति लग जाएगी, उसकी मोहर लग जाएगी उस कहानी पर कि इस संपादक ने इस कहानी को प्रकाशित किया था।
मैं अपने कहानी संग्रह, मेरे अभी तक जो 6 कहानी संग्रह अब तक आ चुके हैं, उसमें से हर संग्रह में एक या दो कहानियां ऐसी रखता हूं जो कि कहीं प्रकाशित नहीं हूं। कभी कभी एक होती है, कभी कभी दो होती है, किसी किसी में एक भी नहीं। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी में सारी प्रकाशित हैं, महुआ गटवारी में सारी प्रकाशित कहानियां हैं, कसाब डॉट गांधी में सारी प्रकाशित हैं, फिर चौपड़े की चुड़ैले में एक कहानी, इन दिनों पाकिस्तान में रहता हूं, वो अप्रकाशित थी, वो नई लिखी थी, उसको उसमें रख दिया मैंने। तो मैं कोशिश ये करता हूं कि सारी कहानियां किसी ना किसी पत्रिका में प्रकाशित हो चुकी हों और उसके बाद वो संग्रह के रूप में आए। तो लेखकों को ये समझना चाहिए कि अगर आप पत्रिका में नहीं छप रहे हैं तो उससे कहीं ना कहीं ये बात सामने आती है कि आपकी रचनाएं संपादन की प्रक्रिया से गुजरी ही नहीं है, ये स्वसंपादित है। और आपको अपनी चीजें तो कभी बुरी लगेगी नहीं, आपको एक लाइन काटने की इच्छा नहीं होगी, लेकिन संपादक जब आपसे कहेगा कि ये जो इतना हिस्सा है इसे काट दीजिए, बेकार है, और ये कहानी को इतनी छोटी कर दीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि आपने क्या क्या अतिरिक्त लिख डाला है। तो मुझे तो वो प्रक्रिया अच्छी नहीं लगती। मुझे लगता है कि पहले साहित्यिक पत्रिकाओं में कहानी प्रकाशित हो, उसके बाद वो संग्रह में आए तो ज्यादा अच्छा रहता। आप जब कुछ पांडुलिपियों को रिजेक्ट कर देते हैं जी, तो आपको किस तरह की प्रतिक्रियाएं मिलती हैं? दुश्मनी होती है और कुछ नहीं। असल में वही मैंने जो आपसे कहा ना कि एक जो हम हीरा या डायमंड जिसको कहते हैं, वो एक अनगढ़ पत्थर है, वो उसको आप उसी रूप में बाजार में बेचने जाएंगे 2 कौड़ी का नहीं हो, लेकिन उसी के ऊपर एक कारीगर मेहनत से काम करता है, तराशता है, उसके एजेस बनाता है और उसके अंदर से हीरा निकाल के देता है। तो एक लेखक को या एक रचनाकार को ये समझना चाहिए कि वो हर एक रचनाकार, चाहे वो चित्रकार हो, चाहे वो अभिनेता हो, चाहे वो थिएटर कलाकार हो, चाहे वो कहानीकार हो, हम सब शुरुआत में अनगढ़ पत्थर ही हैं। हम में से कोई भी हीरे की तरह नहीं पैदा होता है, हम सब अनगढ़ पत्थर हैं। वो संपादक, वो आलोचक, वो समीक्षक, वो पाठक, वो सब मिलकर हमें बेहतर बनाते हैं और बेहतर बनाते हैं। जब एक आपका पाठक आपको कहता है कि इस कहानी में ऐसा जरा मुझे कमजोर लगा, या एक संपादक आपसे कहता है कि ये कहानी आपकी ठीक नहीं है, तो वो आपको कहीं ना कहीं नीचा दिखाने के लिए नहीं कर रहा है, वो केवल इसलिए कर रहा है कि आप और बेहतर लिख पाए। मैं अपना एग्जाम्पल बताता हूँ कि मैंने जब कविताएं और गजलों के बाद जब मैंने व्यंग लिखने शुरू किए, तो 1 या 1.5 साल तक मेरे लिखे हुए सारे व्यंग वापस आ जाते थे, और संपादक की एक चिट्ठी, उन दिनों संपादक थे वहां श्रवण गर्ग, उनकी एक चिट्ठी लगी हुई आती थी कि इस व्यंग में ये समस्याएं हैं, इसलिए हम नहीं छाप रहे हैं। और 1-1.5 साल तक मैंने उन चिट्ठियों का अध्ययन किया कि आखिर क्या प्रॉब्लम है, दूसरे व्यंग में क्या होता है, मेरे व्यंग में क्या कमजोरी आ रही है, और धीरे धीरे वो पकड़ता चला गया मैं उस ट्रैक को। और फिर ये हुआ कि सब जगह व्यंग छपे, कहानियां भी ऐसी हुई मेरे साथ में कि शुरुआत के 3-4 साल सब जगह से कहानियां वापस आ जाती थी, कहीं नहीं छपती थी, संपादक के खेद और अभिवादन समेत वापस आ जाती थी। तो फिर मैंने धीरे धीरे समझना शुरू किया कि जो कहानियां छप रही हैं उसमें और मैं जो लिख रहा हूं उसमें क्या है। तो वो समझ में आ गई वो समस्या। आज ये है कि मैं उस सारी चीजों को समझ के और उस तरह से लिखता हूं। तो ये एक समस्या है कि जब भी आप लेखन कर रहे हैं तो आप ये बात मानकर चलिए कि जैसे अगर आपकी पांडुलिपि रिजेक्ट हो रही है या आपकी कहानी रिजेक्ट हो रही है तो कोई आपका दुश्मन नहीं बैठा है, लेकिन ये आज कोई समझने को तैयार नहीं। पंकज भाई, एक बात यहाँ पर है कि हम लोगों ने जब लिखना शुरू किया था जी, तो शहरों में एक साहित्यिक माहौल हुआ करता था जी, बिल्कुल, मतलब विचार गोष्ठियां होती थी, जैसे कहानी हमने पढ़ी और उस पे 8-10 लोग हैं, 6 लोगों ने उसको दूसरे एंगल से उसकी आलोचना, मतलब समीक्षा की, 2 ने उसको एकदम कंडम कर दिया। तो उस प्रक्रिया से भी हम सीखते थे जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये आजकल तो मेरे ख्याल से विचार गोष्ठियों का भी जो प्रचलन कम ही हो गया है शायद, मेरे ख्याल से लगता है वो तो है ही नहीं, कहीं भी नहीं है।
कहीं भी नहीं है। अब तो ज्यादातर विचार गोष्ठियां जो, जैसे मैं सीहोर के पास भोपाल लगा हुआ शहर है, तो वहां जितनी किताबों पर जो चर्चाएं होती हैं वहां मैं अक्सर जाता हूं, तो प्रशंसा करने के लिए होती हैं सारी गोष्ठियां कि आप आए और जिस लेखक की किताब है उस पर आप तारीफ करें, प्रशंसा करें और अपने घर जाएं। वो पहले वाला समय तो बचा ही नहीं कि आपने वहीं पर बैठकर क्रिटिसाइज कर दिया है, आपने वहीं बता दिया है कि यार ये तो बहुत कमजोर है, तुम्हारी वो कहानी तो बहुत अच्छी थी, ये कहानी तो कमजोर है। अब अगर आपने ऐसा एक भी वाक्य कह, अब इस समय जो जो मैं भी जिस चीज से सबसे ज्यादा मुझे चिंता होती है कि इस समय लोग पर्सनल दुश्मनी बना लेते हैं। अगर आपने उनकी रचना में जरा सी कोई कमी की तरफ इंगित कर दिया कि ये रचना तो ऐसी कुछ ठीक नहीं लग रही, तो वो व्यक्ति आपके साथ पर्सनल दुश्मनी बना लेगा। इसके कारण ये लोगों ने फिर वैसा बोलना भी बंद कर दिया। आप जाइए और बोल दीजिए आपकी बहुत अच्छी रचना है, बहुत बढ़िया लिखा है आपने, वाह वाह क्या बात है, और करके आप भी घर आ जाइए, आप क्यों दुश्मनी पालते हैं। तो वो विचार गोष्ठियां और वो सब चीजें तो अब इसलिए भी संभव नहीं है कि लोगों की सहन शक्ति ही खत्म हो गई है। अब लोग, आप किसी की रचना पर एक वाक्य कह दीजिए कुछ भी, वो आपसे लड़ने पर उतारू हो जाएगा। मैं एक उदाहरण देता हूं। एक कार्यक्रम में मैं दिल्ली में था, तो वहां पर एक किताब पर चर्चा चल रही थी, तो मैं भी संयोग से चर्चाकारों में शामिल था। तो मैंने उस किताब की कहानियों पर कुछ अपनी आपत्ति दर्ज की कि इसमें ये कहानियां जो है मुझे कहानी ही नहीं लगी है, ये घटनाक्रम की तरह आती हैं और ब्यौरे देती हैं, तो मुझे ये कहानी नहीं लगती है। अब उससे हुआ ये कि जिनका वो कहानी संग्रह था, उन्होंने ये किया कि उन्होंने साल भर मेरे व्हाट्सएप पर, फेसबुक के मैसेंजर पर, सब जगह मुझे वो मैसेज भेजते रहे कि देखिए इस कहानीकार ने, इस लेखक ने मेरी इस कहानी पर कितना अच्छा लिखा है, इसने इस कहानी पर, जिन कहानियों की मैंने आलोचना की थी वो उन सब पे तारीफ लिखवा के साल भर मुझे भेजते रहे। तो मैंने भी उसके बाद से कान पकड़ दिए कि ये एक अतिरिक्त सरदर्द मूल लेना है। तो बात घुमा फिरा कर वही आ जाती है कि लोगों की सहन शक्ति ही नहीं बची ऐसी कि अब वो आलोचना सुन सकें और आलोचना से कुछ बेहतर बनने की कोशिश करें। तो क्या ये मान लिया जाए कि आने वाले दिनों में अगर यही प्रवृत्ति जोर मारती रही तो साहित्य में भी लिंचिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी? हो चुकी है, आप हो जाएगी, मतलब भविष्य काल में बात मत कीजिए। लिंचिंग की प्रक्रिया साहित्य में खूब चल रही है और बाकायदा चल रही है, और आप जरा सा कुछ लिख देंगे तो आपको कटघरे में खड़ा कर दिया जाएगा, और फिर बाकायदा और सब तरह के ऐसे, मतलब वो फिर केवल साहित्यिक लिंचिंग नहीं होती है, वो फिर आपके व्यक्तिगत जीवन में घुस जाएंगे और वहां से चीजें निकालेंगे और फिर कुछ और, फिर वो तो मतलब सब तरह से करेंगे वो आपके प्रति। तो वो तो चल रहा है, आज ही चल रहा है, अभी चल रहा है। आप देखिए फेसबुक पर हर दूसरे दिन कोई ना कोई लिंचिंग चलती ही रहती है किसी ना किसी की, तो वो तो चल रहा है, वो तो आ चुका है साहित्य में लिंचिंग का समय। तो मैंने तो एक तय कर लिया है कि फेसबुक पर अब मुझे कोई साहित्यिक रचना नहीं डालनी है। बिल्कुल नहीं डालना, उससे कुछ हासिल भी नहीं होता है। और वो जो आपने सही कहा कि लाइक, कुछ लोग तो बिना पढ़े भी लाइक कर देते हैं, और हमारी बिटिया कहती है कि ये लाइकर्स हैं। बिल्कुल, वो अरे आपको भी लाइक करेंगे, सबको लाइक करना उनका काम ही होता है, घंटे बैठते हैं वो सबको लाइक मार देते हैं, सबको लाइक करते हैं और उनका वही काम है। तो ऐसी लाइक से और ऐसे कमेंट से कोई मतलब नहीं होता है। मैंने आज तक फेसबुक पर या यहाँ अपनी कोई गजल एक आध साल में कभी शायद एक आध डाल दी हो, तो अदरवाइज मैं नहीं डालता, कविताएं नहीं डालता, कहानी नहीं डालता हूँ, कोई साहित्यिक रचना वहां नहीं मिलती है मेरी। बस मैं वहां पर कहीं मेरी किसी पत्रिका में कोई कहानी या कुछ छप गया है तो उसकी एक लिंक डाल देता हूँ कि यहाँ मेरी ये छपी है, तो आप उस पत्रिका के लिंक पर जाकर पढ़ लीजिए उसे। तो ये जो मोह है कि हम इन दिनों तो एक नई प्रवृत्ति आ गई कि आपने कहानी लिखनी शुरू की है और उस कहानी का भी आपने दो पैराग्राफ ही लिखी, उसमें दूसरा पैराग्राफ आपने उठाकर फेसबुक पर डाल दिया, या फिर अभी आपने कहानी का केवल शीर्षक ही सोचा है और शीर्षक डाल दिया आपने कि ये कहानी लिख रहा हूं।
तो मुझे समझ में नहीं आता कि ये अजीब तरह की मुंह दिखाई जिसमें अभी दुल्हन को शादी करके घर नहीं लाए और आपने मुंह दिखाई का कार्यक्रम भी शुरू कर दिया, तो शादी ये सब अभी शादी हुई नहीं, हमने कह दिया कि हमारे बच्चे का नाम ये रखने वाला हूं। वही बात है। तो ये असल में क्या है कि ये सब आत्ममुग्धता, जो जो सोशल मीडिया ने लेखकों में सबसे ज्यादा जो दुर्गुण भरा है वो आत्ममुग्धता है, कि आप बहुत आत्ममुग्ध होते जा रहे हैं और ये आत्ममुग्धता ही आपको इन सब चीजों की तरफ खींच रही है कि आप ऐसा करिए, आप वैसा करिए। और उसके कारण अब जैसे मैं ये लाइव का ही बात करूं कि मैंने मुझे लगता है कि मैं 3 साल पहले लाइव फेसबुक पर बहुत करता था, तब कोई नहीं करता था फेसबुक लाइव, तब मैं किताबों की समीक्षा के लिए फेसबुक लाइव करता था। लेकिन जब से लाइव की आंधी आई, मैंने आप मुझे लगता है कि आपके साथ चर्चा कर रहा हूं तो शायद दूसरी या तीसरी बार किसी के साथ लाइव चर्चा कर रहा हूं। तो वही बात है कि हम सब बहुत आत्ममुग्धता के दौर में घुस गए हैं सोशल मीडिया के द्वारा, और वो आत्ममुग्धता हमसे वो सब कुछ करवा रही है जो हमें नहीं करना चाहिए। तो ये कब तक चलेगा कुछ कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन बस वही बात है कि बाहर बैठकर तमाशा देखते रहिए और मजा लेते रहिए, बस यही कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। दो छोटे छोटे सवाल हैं, उसके बाद हम लोग मैं आपसे विदा लूंगा। जी एक सवाल ये है कि जैसे ये वाकई मैं जानना चाहता हूँ और लोग भी जानना चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने कोई उपन्यास लिखने के बारे में सोचा, जी तो विषय का चुनाव आप किस आधार पे करते हैं? देखिए, विषय तो मैं ये मानकर चलता हूं कि विषय आपको चुनता है, आप विषय को नहीं चुनते हैं, ये मतलब मेरी इसमें मानना है। एक चीज और कहना चाहता हूँ जी कि क्या विषय चुनते समय और जो आप पूरा एक ढांचा आप अपने दिमाग में खाका जो बनाते हैं, जी आपके दिमाग में क्या ये भी आता है कि पता नहीं ये उपन्यास चलेगा कि नहीं चलेगा, मैंने इनको हाँ, जरा समझते हुए बात। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, ये डर तो देखिए, ये डर तो हर रचनाकार के अंदर होना चाहिए। ये डर ही होता है जो उसको और बेहतर करने के लिए मजबूर करता है। जैसे यही उपन्यास जो निजर्म इश्क पे नाज था, मुझे लगा कि धर्म, सांप्रदायिकता, भारत पाकिस्तान विभाजन, हिंदू और मुसलमान के बीच के अंतर संबंध, ये सब इतनी कठिन चीजें हैं, इनको पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे लोग, पता नहीं क्या होगा इस उपन्यास का, और विचारी की ज्यादा है, लेकिन लोगों ने पसंद किया। तो मैं विषय चुनते समय ये जरूर ध्यान रखता हूं कि विषय लोगों से जुड़े रहे। ऐसा कोई विषय ना हो जो कि बहुत हवा का विषय हो, कि मतलब जिसका लोगों से और हमारे आम जनजीवन से कोई वास्ता ही ना हो। तो विषय में लोगों से, कि जैसे किसान आत्महत्या है वो जनता के बीच से उठाया, धर्म और सांप्रदायिकता या इस तरह के विषय वो लोगों के बीच से उठाया, तो कहीं ना कहीं लोग रिलेट कर सकें, मैं ऐसे विषय चुनता हूं। और डरता हूं कि ये उपन्यास चलेगा कि नहीं, ये लोग पसंद करेंगे कि नहीं, वो डर हमेशा रहता है, और मुझे लगता है कि वो जब तक वो डर है तब तक हम बेहतर लेखन कर पा रहे हैं। और एक आखिरी सवाल कि जी कोई कहानी लिखने से पहले या उपन्यास लिखने से पहले आप ये भी सोचते हैं कि मैं इसके जरिए पाठकों को क्या देना चाहता हूं? देखिए, मैं बहुत इस थ्योरी में विश्वास नहीं रखता हूँ कि मैं कोई मैसेज दूँ और कोई सामाजिक परिवर्तन का सूत्रपात करूँ। मुझे लगता है कि कहानीकार को सामाजिक बुराइयों की तरफ इशारा तो करना चाहिए कि आप समाज में क्या गंदगी आ रही है, कहाँ कहाँ क्या अवमूल्यन हो रहा है, उन सब की तरफ इशारा तो करता रहे, लेकिन वो समाज सुधारक बनने की कोशिश ना करे, क्योंकि वो समाज को स्वयं सुधरना है, अगर नहीं सुधरना होगा तो आप क्या कर लेंगे, आपको इशारा करना है। तो मैं लेकिन ये जरूर हमेशा कोशिश करता हूं कि मेरे पाठक को कुछ नया जरूर मिले, विषय का दोहराव ना हो, कोई ऐसा विषय ना हो जिस पर मैं पहले उसी तरह से कुछ लिख चुका हूं और फिर उसकी एक और कहानी ला दूं, वो ना हो, कुछ नया मिले। और कहानी
एक वो मैसेज जैसा तो नहीं, लेकिन हाँ सामाजिक बुराइयां, सामाजिक सरोकारों के आसपास कहीं ना कहीं वो कहानी गुजरती रहे, वो कोई ना कोई सरोकार को छूती हुई निकले, कोई ना कोई बात करती हुई निकले, लोगों के जीवन से चीजें उठाऊं और जो हमारा लोक है, जो हमारी संस्कृति है, उन सब के में से चीजें उठाकर कुछ ऐसा रचूं जो लोगों को अपनी कहानी लगे। तो मैसेज देने में तो विश्वास नहीं रखता हूं, लेकिन मैं ये जरूर चाहता हूं कि कहानी समय और समाज से जुड़ी रहे। लेकिन पाठक तो उसमें से कुछ एक्सट्रैक्ट कर ही लेता है ना कि इसके पीछे क्या है और क्या मकसद है। वो मैंने कहा ना कि वो पाठक हमसे ज्यादा समझदार होता है। एक लेखक, सबसे बड़ा मूर्ख लेखक वो होता है जो पाठक को मूर्ख समझने की गलती करता है। मैं हमेशा से मानता हूं कि पाठक लेखक से ज्यादा बुद्धिमान होता है, तो वो सब समझ लेता है। लेकिन अगर आप जानबूझकर कहानी में एक चीज घुसाने की कोशिश करेंगे कि यार ये कहानी तो ऐसी है, अब ये कहानी में थोड़ा बाजारवाद घुसा दें, या इस कहानी में थोड़ा सांप्रदायिकता घुसा दें, या इसमें थोड़ा सा जो स्त्री विमर्श डाल दें, तो फिर आप कमजोर कर देते हैं कहानी को। नेचुरल फ्लो में वो चीजें आने दीजिए कि आपकी कहानी का विषय स्त्री पर है तो उसमें स्त्री विमर्श घुसाने की जरूरत नहीं, अपने आप होगा। आपकी कहानी का विषय अगर बाजार है तो फिर बाजार उसमें होगा, लेकिन आपकी कहानी का विषय प्रेम है, उसमें आप बाजार घुसा रहे हैं तो वो दिखेगा। बस ये मेरा कहना है। प्रेम की बात आपने की तो उसी के साथ बात मैं खत्म करता हूँ। प्रेम की कहानी आजकल बहुत कम लिखी जा रही है। हाँ, ये तो राजेंद्र यादव ने एक संपादकीय भी लिखा था कि प्रेम की कहानियां, असल में बीच में आलोचना का एक ऐसा समय आया जिसमें प्रेम की कहानियों को खारिज कर दिया गया, प्रेम नहीं छपेगा, प्रेम नहीं पढ़ेगा कोई। लेकिन प्रेम साहित्य का मूल भाव था, है और रहेगा। मेरे नए कहानी संकलन का नाम प्रेम है और उसमें मेरी 26-27 कहानियां हैं जो प्रेम कहानियां, सारी प्रेम। अब आप कहेंगे कि 26-27 कहानियां, वो सब छोटी छोटी कहानियां हैं जो मैंने लेखन के शुरुआती दौर में लिखी थी, और अब मैंने उनको बहुत हिम्मत करके, क्योंकि शुरुआती दौर में लिखा हुआ कच्चा पक्का होता है, तो उन सबको प्रेम के नाम से लाया हूँ। तो मुझे लगता है कि प्रेम अनुपस्थित कभी नहीं होगा, प्रेम हमेशा मौजूद रहेगा कहानियों में और रचनाओं में भी। चलिए, बहुत अच्छी बातचीत हुई आपसे और मुझे तो काफी अच्छा लगा, और हमारे काफी मित्र यहाँ पर हैं, वो उन्होंने उनको भी अच्छा लगा होगा। जी जी जी, पंकज जी, आपको आपके नए उपन्यास की बधाई अग्रिम मैं अभी दे देता हूँ आपको। शुक्रिया, शुक्रिया। आपसे बहुत कुछ जानने सीखने को मुझे मिला। जी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने मुझे इतना समय दिया। जी जी, नमस्कार नमस्कार।